हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय मैथ्स क्लास। हमने हमारी लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन टेबल 2 to 15 की टेबल से रिगार्डिंग हमने मल्टीप्लाई सॉल्व किए थे। मैंने आपको उन 2 to 15 टेबल्स आपकी नोटबुक पे मेंशन करने के लिए फ़ोटो सेंड किया था और आपको एक वर्कशीट का फ़ोटो सेंड किया था। आई होप कि आप सबने वो अपनी नोटबुक में सॉल्व किया है। अगर आपको सॉल्व नहीं किया है तो आप सॉल्व करके आपको मेरे को फ़ोटो भी सेंड करना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल 16 to 25। आज जो भी मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई के मैंने आपको विद द हेल्पिंग ऑफ टेबल यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं वो है 16 से लेके 25 के टेबल्स तक का। ओके, सबसे पहले है 16 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 × 16 = 32। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आएगा? 32। नेक्स्ट 17 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 17 × 4 = 68। ओके, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 54। 19 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 19 × 5 = कितना होता है? 95। ओके, 20 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 26 = 120। 120। नेक्स्ट 21 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 21 × 5 = 105। अब ये आंसर फास्टली कैसे आ रहा है? अगर आपको जैसे 21 का टेबल नहीं आ रहा तो आप कैसे करोगे? 21 / 5, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 5, 5 × 5 = 10। ओके, तो आपका आंसर आ गया 105। अगर ये आपको 25 का टेबल लर्न है तो आपको कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है कि हम जैसे नॉर्मल टेबल बोलते हैं 21 × 21, 21 × 2 = 3, 4 and 5। ये कुछ सेकंड्स का टाइम आपको यहाँ कंज्यूम होता है, यहाँ पे आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए टेबल की हेल्प से हम जो शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 22 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे हम 22 की टेबल कितनी टाइम काउंट करेंगे? 6 टाइम। तो 22 × 6 होता है 132। ओके, नेक्स्ट 23 मल्टीप्लाई बाय 6, 69। अब यहाँ पे मेरे को कुछ सेकंड्स का टाइम लग रहा है कि 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 × 4 = कि जब टेबल हम प्रोनाउंस करते हैं या हम मनी मन रीड करते हैं तो उसमें कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। 96, नेक्स्ट 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 225। नेक्स्ट है 25 मल्टीप्लाई बाय 0, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर आता है 0। कुछ स्टूडेंट्स ये काफ़ी मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करना है फिर भी उनका यहाँ पे कुछ आंसर होता है। तो यहाँ पे किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो डिजिट 1000 की हो, लेख की हो या वंस की हो, सब में क्या आंसर आएगा? 0। 24 मल्टीप्लाई बाय 1, 24 किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? सेम। इट मीन्स यहाँ हमने 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ हमारा आंसर कितना आएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 1 = 24। ये मैंने आपको कुछ सम्स एक्सप्लेन किए हैं 16 से लेकर 25 तक के टेबल्स के, कि आपको विद द हेल्पिंग ऑफ टेबल, यहाँ पे मेन फोकस है कि टेबल का, कि आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए। ये जो मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं या इनके आंसर मेंशन किए हैं कि ये मेरे को टेबल्स लर्न हैं, इस यहाँ पे मैंने इनको इजीली यहाँ पे आंसर इनके सॉल्व कर दिए। अगर मुझे टेबल लर्न नहीं होता है, आपको टेबल नहीं होता है, तो हम इस मेथड से पहले सबको सॉल्व करेंगे फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका आंसर मेंशन करते हैं। तो इस ये जो आपका एक लंबा प्रोसेस होता है इसमें हमारे लिए टेबल्स बहुत ईजी रहता है कि टेबल से हम डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 16 से 25 के टेबल चार्ट का फोटो भेजूंगी जो आपको अपनी नोटबुक पे मेंशन कर लिया, और साथ ही साथ आपको 2 to 25 टेबल्स मैंने आपको दो क्लास में एक्सप्लेन किए हैं, ये आपको लर्न भी करनी है 2 to 25 की टेबल्स। और जैसे मैंने आपको अभी बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, सेम मैं आपको एक्सरसाइज भी सेंड करूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके मुझे फोटो सेंड करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।